हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस के सेशन के साथ, और आज है सेशन का डे 6। 12 टेस्ट के सेशन में जहां पर हम लोग 40 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और नजरें बनाए हुए हैं उस लेवल के क्वेश्चंस की जो कि आईबीपीएस को बेहद पसंद है, जो कि बैंक के कई सारे एग्जाम्स में पूछ चुका है, और पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चंस यही सही पूछे जा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चंस की पकड़ बनाने के लिए कॉन्सेप्ट को समझना भी जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ इनके एमसीक्यूज अगर दोनों पे आपने पकड़ बना ली तो ये डैम श्योर है कि एग्जाम में 35+ स्कोर, जो कि हमारा टारगेट भी है कि 35+ क्वेश्चंस को आउट ऑफ 40 सही कर पाएं। तो इसी शुरुआत में, इसी जंग में आज फिर एक बार अपने आप को इवेल्युएट करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि 40 में से कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ अगर आप कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज चीजों को समझना चाहते हैं कि पेपर का लेवल अगर बहुत टफ भी आ गया तो भी आप यहां पर बढ़िया स्कोर कर पाए, एक एक नंबर की वैल्यू को अगर आप समझते हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं इस फुल कंप्यूटर कोर्स से, जो कि बहुत ही स्पेशल तरीके से आपके लिए डिजाइन किया गया है। ज्यादा ना पढ़ना पड़े, कम पढ़ाई में सब कुछ कवर हो जाए और कुछ भी ना छूटे, ये कोर्स नहीं है, ये एक्सपीरियंस है एक टीचर का जो आपको एक बंडल के फॉर्मेट में यहां पर दिया जा रहा है। ये यहां पर क्या क्या कवर होगा, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ और मॉक टेस्ट, जिसके बाद में किसी दूसरी वीडियो या पीडीएफ या बुक को लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यूजर फ्रेंडली तरीके से यहां पर सब कुछ कवर किया गया है, एक कहानी के तौर पर आपको समझाया गया है, ताकि अगर कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। 15th of March से ये कोर्स स्टार्ट हुआ था, वैलिडिटी रहेगी इसकी 12 मंथ्स। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं कोर्स के रिगार्डिंग, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क के तौर पर, क्वेश्चन ऑफ द डे के फॉर्म में। ये क्वेश्चन क्या था, What is the default subnet mask for class B network? Class B network के लिए default subnet mask क्या होगा? हम जानते हैं class A के लिए एक बार 255 होगा, class B के लिए दो बार 255 होगा, और class C के लिए तीन बार 255 होगा। तो class B दिया था, कितनी बार 255 होना चाहिए, दो बार, और बाकी बचे हुए जगह पे क्या होगा, 0, 0। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 255.255.0.0, यानी ऑप्शन नंबर 4th इज द राइट आंसर। क्लास ए का जो सबनेट मास्क होगा वो क्या होगा, 255.0.0.0, एक बार 255। क्लास बी का जो सबनेट मास्क होगा दो बार 255, 255.255.0.0। क्लास सी के केस में तीन बार 255, यानी 255.255.255, और लास्ट में 0। क्लियर। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर। अब यहां से आपको अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना है और आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भी है। चलिए, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS Excel 365 टू गो टू द फॉर्मूला टैब। MS Excel 365 में फॉर्मूला टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? फॉर्मूला टैब क्या होता है? आप जानते हैं कि एक्सेल में कई सारे फॉर्मूले होते हैं, ये सारे फॉर्मूले हमें जहां पर दिखते हैं उसे हम बोलते हैं फॉर्मूला टैब। ये कब एक्टिवेट होगा, जब हम ऑल्ट के साथ में क्या प्रेस करेंगे, बिल्कुल सही, ऑल्ट के साथ में एम प्रेस करने पर हमें मिलेगा फॉर्मूला टैब। कैसे याद रखें, एक होता है फॉर्मूला बार, एक होता है फॉर्मूला टैब। जब भी टैब के बारे में बात की जाती है, शुरुआत किससे होती है, ऑल्ट से।
एफ यानी फॉर्मूला, ए फॉर ऑल्ट और एम फॉर एम, एफ ए एम। अगर कोई फेमस होता है तो फेमस की स्पेलिंग क्या होगी, एफ ए एम ओ यू एस। तो ओ यू एस हटा दीजिए, फॉर्मूले से बनाइए एफ, एफ के बाद ए और फिर एम। यानी अगर फॉर्मूला टैब के बारे में पूछेंगे तो आंसर क्या होगा, ऑल्ट प्लस एम। क्या ये कहानी समझ में आई? नेक्स्ट, हाउ मेनी हाइपरलिंक इन अ वर्कशीट आर देयर इन एक्सेल 2021 या 365? यानी लेटेस्ट वाले वर्जन की बात हो रही है, क्या रहे एक्सेल 2021 या 365 में कितने वर्कशीट में हाइपरलिंक होते हैं? मतलब हाइपरलिंक इन अ वर्कशीट, वर्कशीट क्या होती है ये तो हम लोग जानते ही हैं, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, ये अलग अलग वर्कशीट होती हैं, और वर्कशीट के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, वर्कबुक, है ना। ये भी आप जानते हैं कि कई सारी वर्कशीट को मिलाकर हम क्या बना देते हैं, वर्कबुक बना देते हैं। तो कह रहा है कितने हाइपरलिंक, हाइपरलिंक का मतलब लिंक कह सकते हैं या हाइपरलिंक भी कह सकते हैं, जिस पर क्लिक करने से एक नया पेज आ जाए वो हाइपरलिंक है। तो एक वर्कशीट में कितने हाइपरलिंक होते हैं एक वर्कशीट में? आंसर है 65,530, 65,530। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, वेरी वेरी फेमस वन। एक वर्कशीट के अंदर हाइपरलिंक की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 65,530, याद रखेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का आगमन होता हुआ आपके स्क्रीन पर, बताइए बड़े प्यार के साथ पढ़िए क्वेश्चन को। व्हाट इज द कॉलम विथ एंड रो हाइट इन एमएस एक्सेल 365 या 2021? एक्सेल 365 या 2021 में कॉलम की चौड़ाई और पंक्ति की ऊंचाई क्या होगी? वैसे तो ये क्वेश्चन अलग अलग पूछते हैं एग्जाम में, लेकिन आईबीपीएस बड़ा शातिर है, ये क्वेश्चन को मर्ज कर देता है ताकि आपकी तकलीफ बढ़ जाए। हम है ना क्यों चिंता करते हैं। अब यहां पर बात करेंगे कॉलम की विथ की और रो की हाइट की। हम जानते हैं एक्सेल की बात जब भी होगी तो उसमें रो और कॉलम्स ही आते हैं। कॉलम की विथ कितनी होगी और रो की हाइट कितनी हो सकती है, ये बताना है आपको। करेक्ट आंसर क्या होगा, 255 करेक्टर, ये तो हो गई कॉलम की विथ, 255 करेक्टर्स। और रो की हाइट कितनी होती है मैक्सिमम, 409 पॉइंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, कॉलम की विथ 255 करेक्टर की और रो की हाइट 409 पॉइंट्स की। समझ में आया, बल्ले बल्ले है, गलत तो नहीं करेंगे, वादा करिए। आगे बढ़िए, जीमेल यूजेस डैश एज इट्स डिफॉल्ट फॉन्ट। जीमेल अपने डिफॉल्ट फॉन्ट के रूप में किसका उपयोग करता है? जीमेल की बात करें तो मुफ्त में ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है मैक्सिमम यूजर्स को, है ना, जीमेल। और गूगल मेल की जब हम बात करते हैं तो यहां पर कोई डिफॉल्ट फॉन्ट होता है ना, जब हम किसी को मेल भेजते हैं तो वो कोई एक फॉन्ट होगा जिसका यूज करके वो मेल जाएगा, वो फॉन्ट कौन सा है और फॉन्ट का साइज क्या होता है डिफॉल्ट, ये दोनों बताइए मुझे। बिल्कुल सही, जो डिफॉल्ट फॉन्ट है वो है सैंस सेरिफ। इसको ऐसे याद रखिए, ये सैंस नहीं है, ये सांस है, है ना, जो आपकी सांसें चल रही हैं दैट इज कॉल्ड सांस। सेरिफ यानी शरीफ, है ना, बड़ी शरीफ सांस है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, यानी जो आपकी होने वाली सांस होगी है ना वो बेहद शरीफ होगी। तो सैंस सेरिफ यानी शरीफ सांस, ये है जीमेल का डिफॉल्ट फॉन्ट। और इसका फॉन्ट का नाम क्या होगा, ये तो हो गया सैंस सेरिफ, कितना साइज होगा, 10 पॉइंट। तो दो चीजें हमें याद रखनी है जीमेल से, कि बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट का साइज है वो क्या होगा, 10, और जो फॉन्ट का फेस है या जो फॉन्ट का नाम है वो क्या होगा, सैंस सेरिफ। हम चाहें तो उसको बदल भी सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट के केस में 10 और सैंस सेरिफ हमें याद रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट मार्जिन सेट इन एमएस वर्ड 2021? एमएस वर्ड 2021 में डिफॉल्ट मार्जिन क्या है? डिफॉल्ट मार्जिन की बात करें वो भी लेटेस्ट वर्जन में, तो 1 इंच रखी गई है, 1 इंच।
तो अगर लेटेस्ट वाले वर्जन यानी 2007 से लेकर उसके ऊपर किसी भी वर्जन में बात होगी तो आंसर क्या होगा, 1 इंच। लेकिन उसके पहले वाले वर्जन में जो बाय डिफॉल्ट थी वो कितनी थी, 1.5 इंच, जिसको कम करके अब क्या कर दिया गया है, 1 इंच कर दिया गया है। नेक्स्ट, विच फंक्शन की इज यूज इन एमएस एक्सेल 365 टू एडिट अ सेल, किसी सेल को संपादित करने के लिए एक्सेल 365 में किस फंक्शन की का उपयोग किया जाएगा, बताओ। ये तो बहुत सरल है, फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक होती है और Fn की भी होती है, तो 12+1=13 फंक्शन कीज हो गई। एडिट करने के लिए किसी भी सेल को, अगर हम किसी भी सेल में कुछ बदलाव कर रहे हैं तो क्या उसके लिए कोई फंक्शन की मौजूद है, जी हाँ, दैट इज F2, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, तो लगा दीजिए F2। F2 के द्वारा हम नॉर्मली क्या करते हैं, किसी फाइल और फोल्डर को रीनेम करते हैं, और F2 के द्वारा एक्सेल शीट में हम कंटेंट को रीनेम करते हैं यानी एडिट करते हैं, है ना। इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा कि F2 इज यूज्ड इन एक्सेल टू एडिट अ सेल, किसी भी सेल में कुछ बदलाव करने के लिए F2 फंक्शन की का यूज करेंगे। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू फाइंड द IP एड्रेस व्हेन मैक एड्रेस इज नोन, कई बार आपको बता चुके हैं लेकिन गलती करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन में, तो आज देखेंगे कि आज तीर निशाने पे लगा है या चूक गया। फाइंड द IP एड्रेस, जब भी IP एड्रेस का पता लगाना होगा तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होगी वो कौन सी होगी, RARP, यानी रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और अगर कभी भी मैक एड्रेस फाइंड करना है तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होगी वो कौन सी होगी, इसकी उल्टा, यानी ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो मैक एड्रेस के लिए ARP और फाइंड द IP एड्रेस देन RARP। नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी इज यूज्ड इन ईथरनेट, ईथरनेट में किस टोपोलॉजी को उपयोग किया जाता है, बताइए। ईथरनेट का मतलब क्या है, ईथरनेट का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होने वाली चीजें, चाहे वो ईथरनेट केबल हो, चाहे वो ईथरनेट एड्रेस हो। तो ईथरनेट का मतलब एक तरीके से क्या होगा, जो लोकल एरिया नेटवर्क में जो हम यूज करते हैं केबल्स का, एड्रेस का, उसे हम लोग टर्म दे देते हैं ईथरनेट, जिसका IEEE स्टैंडर्ड क्या है, IEEE 802.3 ईथरनेट। ईथरनेट केबल्स की बात करें तो इसे ट्विस्टेड पेयर केबल्स के नाम से भी जानते हैं। ईथरनेट में जो टोपोलॉजी यूज होती है वो कौन सी है, बस टोपोलॉजी, याद रखिएगा, क्योंकि एक लोकल एरिया नेटवर्क में जो टोपोलॉजी सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है ना, वो बस टोपोलॉजी ही होती है। वो अलग बात है कि बस टोपोलॉजी का सबसे बड़ा डीमेरिट क्या है कि ये पूरी तरीके से केबल पर डिपेंडेंट है ना, ये पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट है, केबल पे। अगर केबल काम करना बंद कर देगी तो जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वो सब बंद कर जाएंगे, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है बस टोपोलॉजी का। लेकिन ईथरनेट के केस में हमेशा आंसर क्या होगा, बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ NIC कंटेन, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कंटेन, क्या एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी NIC कार्ड में क्या शामिल है, बताइए। डोमेन एड्रेस, IP एड्रेस, पोर्ट एड्रेस, मैक एड्रेस, बोथ 2 और 4, यानी IP एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों, या फिर आता है बताएंगे नहीं, बताइए आंसर क्या होगा। NIC कार्ड, क्या इसको आपने कभी समझा है हमसे, बिल्कुल आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि मैक एड्रेस कहाँ लिखा जाता है, NIC कार्ड के ऊपर। मैक एड्रेस कहाँ पर होता है, NIC कार्ड के ऊपर। तो इसका मतलब NIC कार्ड क्या कंटेन करता है, मैक एड्रेस। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस, ईथरनेट एड्रेस, या फिर आप इसको बर्न्ड इन एड्रेस, या कार्ड पर लिखा गया एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, कई सारे नामों से जानते हैं, है ना, जिसमें से ईथरनेट एड्रेस बहुत फेमस है। मैक का मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल,
और अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक एड्रेस किस लेयर पर काम करता है ओएसआई मॉडल पर, तो क्या बता पाएंगे इतना पढ़ने के बाद? जी हां, आप बता पाएंगे कि सर मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर जो कि दूसरी लेयर है ओएसआई मॉडल की, उस पर काम करता है। और अगर हम आईपी एड्रेस की बात करें तो ये तीसरी लेयर नेटवर्क लेयर पर काम करता है। आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं और मैक एड्रेस को ज्यादातर फिजिकल या ईथरनेट एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आई? आईपी एड्रेस के केस में जो डिवाइस यूज होती है वो राउटर है। आईपी एड्रेस के केस में जो डिवाइस यूज होगी वो कौन सी होगी? राउटर होगी। और मैक एड्रेस के केस में जो डिवाइस यूज होगी वो कौन सी होगी? जल्दी बताओ। मैक एड्रेस के केस में डेटा लिंक लेयर की बात होती है और डेटा लिंक लेयर में स्विच और ब्रिज का यूज होता है। तो यहां पर जो डिवाइस यूज हुई वो कौन सी हुई? स्विच और ब्रिज। समझ में आया? तो ये लिंकिंग आपको एस्टैब्लिश करनी हो। ट्रांसपोर्ट लेयर पर पोर्ट एड्रेस यूज होता है। डोमेन क्या होता है? आईपी एड्रेस को डोमेन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसके द्वारा? जो भी हमारा डोमेन नेम होता है, है ना, जैसे google.com, facebook.com, इन सबको हम कन्वर्ट करते हैं आईपी एड्रेस के फॉर्म में वाया डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा। ये हो गया डोमेन नेम। नेक्स्ट, मैक एड्रेस आर फिजिकली अटैच टू अ हार्डवेयर डिवाइस। कह रहा है जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं उन सब का मैक एड्रेस होता है जिसके द्वारा हम उस डिवाइस की पहचान कर पाते हैं, है ना। ये है मैक एड्रेस, हर एक डिवाइस का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डज द एचटीटीपी प्रोटोकॉल वर्क ऑन? एचटीटीपी प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस परत पर काम करती है? बताइए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल होता है कंप्यूटर में, नेटवर्किंग में बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल, जिसका पोर्ट नंबर 80 होता है, 80। एचटीटीपी प्रोटोकॉल की बात करें तो ये सबसे ऊपर वाली लेयर पर काम करती है जो यूजर के बेहद करीब है। और यूजर के करीब कौन सी लेयर है? एप्लीकेशन लेयर। सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है? एप्लीकेशन लेयर। सेवेंथ नंबर वाली लेयर कौन सी है? एप्लीकेशन लेयर। तो एचटीटीपी के केस में आंसर क्या होगा? एप्लीकेशन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? अच्छा, अब एप्लीकेशन लेयर की जब भी हम बात करते हैं तो जितना यूजर रिलेटेड काम है वो सब एप्लीकेशन लेयर करती है, जैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी, मेल को सेंड करना हो एसएमटीपी, एफटीपी, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग वाला काम एफटीपी के थ्रू, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम यानी किसी भी डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम, पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, मैसेज या मेल को एक्सेस करने या रिट्रीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होगी, और टेलनेट जो कि रिमोट कनेक्शन वाली प्रोटोकॉल है जो एक जगह पर बैठ के दूसरे कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसी टेलनेट यानी रिमोट प्रोटोकॉल। ये सारी के सारी प्रोटोकॉल्स कहां पर काम करती हैं? एप्लीकेशन लेयर पर। तो एचटीटीपी पूछें, एसएमटीपी पूछें, एफटीपी पूछा जाए, डीएनएस पूछा जाए, पीओपी पूछा जाए या टेलनेट पूछा जाए, इन सभी केसेस में आंसर क्या होगा? एप्लीकेशन लेयर, जो कि सेवेंथ लेयर है ओएसआई मॉडल में। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस इस 32 बिट? निम्नलिखित में से कौन सा पता 32 बिट है? मैक एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस या नन ऑफ दीज? हमने कई बार आपको ये बात बताई है कि IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है। IPv4 32 बिट, IPv6 128 बिट और मैक एड्रेस 48 बिट। याद है ना? अभी भी याद नहीं है तो पिटाई लगाऊंगा मैं, है ना, बहुत बार बताया है। तो IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है। तो क्या यहां IPv4 या आईपी एड्रेस दिया है? नहीं दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। रुक जाओ, क्या आईपी एड्रेस को किसी और नाम से भी जानते हैं? ये भी सोच लो, क्योंकि IPv4 32 बिट का होता है
तो आईपी एड्रेस को क्या किसी और नाम से भी जानते हैं? हाँ सर, आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। तो जरा ढूंढो क्या लॉजिकल एड्रेस गिवेन है? नहीं। क्या लॉजिकल एड्रेस को कुछ और भी बोलते हैं? जी हाँ, वर्चुअल एड्रेस भी बोलते हैं। तो आंसर क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड वर्चुअल एड्रेस, यानी ऑप्शन टू इज दी राइट वन। इसका मतलब घुमा दिया क्वेश्चन को। हमें यह तो पता था कि IPv4 32 बिट का होता है, हमें शायद यह भी पता था कि आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, लेकिन लॉजिकल एड्रेस को वर्चुअल एड्रेस भी बोलते हैं ये भी बात पता होनी चाहिए। जैसे मैक एड्रेस को ईथरनेट एड्रेस बोलते हैं, वैसे ही IPv4 या आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस भी बोला जाता है। तो इसके सिनोनिम भी मालूम होने उतने ही जरूरी हैं, क्योंकि एग्जामिनर यहीं पे खेलेगा आपसे, है ना। उसे पता है कि कैंडिडेट ये याद करके आ रहे हैं, ये रट के आ रहे हैं कि IPv4 32 बिट, IPv6 128 बिट, मैक एड्रेस 48 बिट। उसे पता है ये याद करके आएंगे। घुमा दो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को ऐसे घुमाओ कि क्वेश्चन भी वही रहे लेकिन आंसर थोड़ा सा बदल जाए। तो जिसने डेप्थ में स्टडी करी है वही नंबर ला पाए, है ना, यही तो एग्जामिनर चाहता है। आओ, हाउ मेनी पिन डज RJ45 कंटेन? RJ45 में कितनी पिन लगी होती है? RJ का मतलब रेडियो जॉकी तो होगा नहीं, रजिस्टर्ड जैक होगा। RJ45 कनेक्टर है किसका? ट्विस्टेड पेयर केबल का, या ईथरनेट केबल जो होती है उसके आगे जो कनेक्टर लगा होता है वो है RJ45 कनेक्टर, ये बात आप जानते हैं। और ये कनेक्टर में कितनी पिंस लगी होती हैं? 8 पिंस। टोटल नंबर ऑफ पिंस कितनी होंगी दोस्तों? 8। इसको किसी का नहीं करना वेट, क्योंकि आंसर क्या है? 8। आप देख सकते हैं अलग अलग कलर्स की पिन है जो कि ये बताती हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, टोटल नंबर ऑफ जो पिंस हैं वो कितनी है? 8। तो RJ45 किस में यूज होता है? ट्विस्टेड पेयर केबल में, पहली बात। RJ45 की फुल फॉर्म क्या है? रजिस्टर्ड जैक 45, दूसरी बात। और तीसरी बात कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पिंस कितनी है? 8। दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच फंक्शन की एक्टिवेट द मेन्यू बार ऑफ एन ओपन एप्लीकेशन? कौन सी फंक्शन कुंजी एक खुले एप्लीकेशन के मेन्यू बार को सक्रिय करती है, एक्टिवेट करती है मेन्यू बार को, मेन्यू बार को सक्रिय करती है? मेन्यू बार कौन से होते हैं? जिसमें कई सारे कमांड दिए होते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड अ मेन्यू बार। कट कॉपी पेस्ट ये वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड अ मेन्यू बार। कई सारे मेन्यूज, कई सारे कमांड। और इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे? F10 का प्रयोग करेंगे। तो एक्टिवेट द मेन्यू बार के केस में हमेशा आंसर क्या होगा? F10। F10 की का यूज हम लोग क्यों करते हैं एमएस वर्ड में? मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज इन एमएस वर्ड 365 टू चेंज द टेक्स्ट टू ऑल अपर केस? बताओ। ये क्वेश्चन तो बहुत पॉपुलर है, पर अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो समझ लेना कि बेस बिल्कुल वीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस यहां पर एमएस वर्ड 365 लिख दिया गया, लेकिन ये चीज हर एक वर्जन में काम करती है। ये शॉर्टकट की हर एक वर्जन में काम करेगी एमएस वर्ड की। क्या है? एमएस वर्ड 365 में टेक्स्ट को सभी अपर केस में बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करें? सर इसका मतलब क्या है? सपोज करिए जो आपका नाम है वो एमएस वर्ड में स्मॉल में लिखा हुआ है और हम उसको कैपिटल में लिखना चाहते हैं, कैसे करें? आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है, जो लिखा हुआ है उसको मिटा दें और फिर कैप्स लॉक की ऑन करके, है ना, उसको बड़ा कर दें, दोबारा से टाइप कर दें। अरे अगर ऐसा ही करना होता तो सोचो, पूरा पैराग्राफ है, एक पूरा पेज है जो स्मॉल से है और हमें उसको कैपिटल में कन्वर्ट करना है, आप कैसे करेंगे बताओ? हो गई ना मोए मोए। इसके लिए जो शॉर्टकट की बनी है दैट इज कॉल्ड कंट्रोल शिफ्ट ए। कंट्रोल शिफ्ट ए क्या करेगा? आपको सबसे पहले जो भी, जिस भी वर्ड को, जिस भी पैराग्राफ को कैपिटल में कन्वर्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और फिर प्यारी सी शॉर्टकट की दबाइए कंट्रोल शिफ्ट ए। अब वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा,
जो छोटे से आपने स्मॉल से लिखा था वो कैपिटल से हो जाएगा या लोअर केस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अपर केस में। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट और ए। नेक्स्ट, विच फंक्शन की रिपीट द लास्ट कमांड और एक्शन, कौन सी फंक्शन की अंतिम कमांड या क्रिया को दोहराती है? इसका मतलब क्या है, एमएस वर्ड में अगर एक ही वर्ड को आपको बार बार रिपीट करके लिखना है बिना स्पेस के साथ तो आप कैसे लिखेंगे? रिपीट द लास्ट कमांड और एक्शन, रिपीट करना है आपको वर्ड को बिना स्पेस दिए तो उसके लिए F4 का यूज होता है। तो एमएस वर्ड में रिपीट करने के लिए जिस फंक्शन की का यूज होगा वो कौन सा है, F4, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कौन सी फंक्शन कुंजी अंतिम कमांड या क्रिया को दोहराती है एमएस वर्ड में, F4। अब देखो यहां पर एमएस वर्ड दिया नहीं है, ये चीज आपको सोचनी होगी कि रिपीट द लास्ट एक्शन या रिपीट द लास्ट कमांड ये कहां पर यूज होता है। यहां पर एमएस वर्ड में ही इसका यूज होता है और कहीं पर नहीं, है ना। तो ये कमांड कहां पर यूज होगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट में, सिर्फ एमएस वर्ड में, और किसी प्लेटफॉर्म में इसका यूज नहीं किया जाएगा, दैट इज F4। अब आप ये खुद भी कर सकते हैं, कैसे, एमएस वर्ड को ओपन करिए, हेलो लिखिए, उस हेलो को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर बिना किसी स्पेस के F4, फिर F4, फिर F4, तो वो ऑटोमेटिक पेस्ट होता चला जाएगा। सर ये काम तो कॉपी पेस्ट के द्वारा भी किया जा सकता है, जी नहीं, कॉपी पेस्ट में आपको कॉपी करना पड़ता है, F4 में यहां पर कॉपी करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बिना स्पेस के आपकी चीजों को रिपीट कर देगा, है ना, ये खासियत है। नेक्स्ट, वेयर डू ब्लैक लिस्टेड ईमेल्स गो, ब्लैक लिस्टेड ईमेल कहां जाते हैं, जिन ईमेल्स को हम ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, क्यों करते हैं ब्लैकलिस्ट, कई बार ईमेल्स ऐसे भी आ जाते हैं हमारे पास जो हम नहीं चाहते, कोई ऑफर वाले होते हैं, हमें लगता है ये स्पैम हो सकता है, हमें लगता है ये जंक मेल हो सकता है, तो हम उन ईमेल्स को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं ताकि वहां से हमें कोई मेल ना आए। तो ऐसे मेल कहां चले जाते हैं, स्पैम फोल्डर में, दैट इज द करेक्ट आंसर। स्पैम फोल्डर को जंक फोल्डर भी बोला जाता है, स्पैम मेल्स को जंक मेल्स भी बोला जाता है। ट्रैश फोल्डर क्या होता है, जब हम मेल्स को डिलीट कर देते हैं या मेल को गलती से डिलीट कर देते हैं, इंटेंशनली या फिर बाय मिस्टेक, तो मेल हमारे कहां चले जाते हैं, ट्रैश फोल्डर में, कितने दिन के लिए, 30 दिनों के लिए, और 30 दिन के अंदर अंदर अगर हम इसको अंडू नहीं करते तो ये परमानेंट डिलीट हो जाते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड अ ट्रैश फोल्डर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, स्टोरेज विच इज लोकेटेड आउटसाइड द सीपीयू इज कॉल्ड, स्टोरेज जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बाहर स्थित होती है उसे क्या बोलते हैं, बताइए, वो स्टोरेज जो सीपीयू के बाहर है उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, रैम एंड रोम या रजिस्टर, सोच के बताओ। सीपीयू के जो बाहर है, सीपीयू के अंदर कौन सी मेमोरी है, रजिस्टर, तो इसका मतलब रजिस्टर तो होगा नहीं, और सीपीयू कहां पर है, मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड के साथ साथ क्या क्या लगा हुआ है, रैम और रोम, यानी ये भी नहीं होगा आंसर। रैम एंड रोम को मेन मेमोरी बोलते हैं, ये भी नहीं होगा, और मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। आउटसाइड का मतलब जिनको बाहर से लगाते हैं, और बाहर से किसको लगाते हैं, हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, और ये सब क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सिलरी मेमोरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट इज द राइट वन। ऑक्सिलरी मेमोरी का मतलब सेकेंडरी मेमोरी जिसमें हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, SSD, है ना, ये सब आती हैं, या CD, DVD, ये सब आती हैं, ऑप्टिकल डिस्क कह लीजिए, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी। नेक्स्ट, वेयर इज बायोस स्टोर्ड, बायोस कहां संग्रहित है, बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस है क्या, एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को ऑन करने
यानी बूटिंग में मदद करता है, यही तो है। जो बूटिंग में मदद करे दैट इज कॉल्ड बायोस। अब चाहे वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के मैनर में करे, सीमॉस को एक्टिवेट करे डेट और टाइम के लिए बायोस का काम, सेटिंग्स को मैनेज करे, फाइल्स को लोड करे, सारा काम बायोस का होता है, जितना भी बूटिंग रिलेटेड काम है। और ये बायोस स्टोर कहां पर होता है, बायोस का घर क्या है, रोम, रीड ओनली मेमोरी। क्या यहां पर रोम दिया है कहीं पर? हार्ड डिस्क नहीं, रैम नहीं, फ्लैश मेमोरी नहीं, पेन ड्राइव नहीं, ऑल ऑफ दीज नहीं। क्या होगा आंसर फिर? रोम दिया है लेकिन छुपे हुए फॉर्मेट में, क्योंकि ईईपी रोम का एडवांस्ड फॉर्म क्या है? फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी भी तो एक प्रकार की रोम है, ईईपी रोम, दैट इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज ईईपी रोम कह लें या फ्लैश मेमोरी कह लें। समझ में आया? तो वेयर इज बायोस स्टोर्ड? अगर रोम दिया होता तो आंसर रोम हो जाता, लेकिन अगर रोम नहीं दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्लैश मेमोरी चिप, दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, कॉपिंग क्रेडिट और डेबिट कार्ड डेटा लाइक अकाउंट नंबर, पिन, एक्सपायरेशन डेट ड्यूरिंग लेजिटिमेट ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। बताइए, वैध लेन देन के दौरान खाता संख्या, पिन, समाप्ति तिथि जैसे क्रेडिट या डेबिट कार्ड डेटा की प्रतिलिपि बनाना क्या कहलाता है? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, इनको हैक करने के लिए हमें मशीन में कुछ करना होगा। अरे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कहां लगेगा? एटीएम मशीन में। अगर हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है तो हम डेबिट कार्ड को कहां लगाएंगे? एटीएम मशीन में। अब वहां पर हम ऐसी कोई डिवाइस लगाएं जो डेटा की पिन को रीड कर ले, अकाउंट नंबर को रीड कर ले, उसकी एक्सपायरेशन डेट यानी सीवीवी को रीड कर ले साथ में, तो इसके लिए क्या लगाया जाए? स्कीमिंग डिवाइस, यानी फिफ्थ इज द राइट आंसर। स्कीमिंग एक ऐसी मैकेनिज्म है, एक ऐसी डिवाइस है जो हम कहां पर लगाते हैं? उस फोल्डर में जिसमें हम डेबिट कार्ड को इंसर्ट करते हैं। अरे आप एटीएम मशीन में जाते हैं और डेबिट कार्ड को इंसर्ट करते हैं, उसी का क्लोन बना के हम लगा देते हैं, जिसको स्कीमिंग बोलते हैं। और ये एक फेक होता है, जैसे ही आप स्कैन करने की कोशिश करेंगे ये फेक रीडर इसको रीड कर लेगा और हैकर को दे देगा वाया प्रोसेसर, है ना। तो हर बार एटीएम मशीन में ये काम करने से पहले आपको क्या करना होगा? इस होल्डर को हल्का सा छू के देखना होगा कि ये बाहर की तरफ निकल तो नहीं रहा। अगर निकल रहा है तो इसका मतलब ये फेक है, और अगर ये फिक्स है तो इसका मतलब ये फेक नहीं है, है ना। और मालूम चला असली वाले को भी आपने ज्यादा तेज खींच लिया, वो बाहर आ गया, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको हिला के चेक करना होगा इस फोल्डर को, ताकि असली वाला भी लग रहा है और नकली वाला सिर्फ निकल आए, है ना। तो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड स्कीमिंग। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर देयर? ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं ये बताइए। 3 types, 8 types, 7 types, 6 types, 5 types, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। आप ये तो जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं, और ये टोटल होते हैं 7 प्रकार के, यानी 7 types। कौन कौन से? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, मल्टीप्रोसेसिंग, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम को इन 7 चीजों में डिवाइड करके रखा गया है। इनको फर्दर भी छोटे छोटे डिविजन किए गए हैं, लेकिन जो मेजर डिवीजन है वो कितने? 7। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डस नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली? ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के साथ सीधे इंटरेक्ट नहीं करता? अरे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो तो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते ही हैं, है ना। आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? किसी भी विंडोज को ओपन करना या यूजर को यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना, जिससे कि हम उस पर फाइल को बना पाए, फाइल को एक्सेस कर पाए, है ना। ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही तो है मैनेज करने का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, लेकिन एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंटरेक्ट नहीं करता कंप्यूटर से डायरेक्टली, और उसे हम बोलते हैं
पुराने समय में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज कॉल्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बैचेस में काम को करता था, रुक रुक के काम को करता था, डिले करके एक साथ चीजों को प्रोसेस करता था लेकिन धीरे धीरे, दैट इज कॉल्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आया? ये कुछ कुछ वैसे ही है जैसे एनईएफटी काम करता है, जैसे आरटीजीएस तुरंत काम करेगा, वैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत धीमे काम करेगा, है ना, दैट इज कॉल्ड बैचेस में, एक फिक्स स्लॉट में, दैट इज कॉल्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, डैश इज द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का हृदय क्या है, जो मेन पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो क्या है, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, सीपीयू, कर्नल या शेल? आपकी पार की नजर और निर्मासु पर। द करेक्ट आंसर इज कर्नल। हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑर्डर दे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम से सारा काम ले ले, है ना, वही तो हार्ट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से सारा काम लेने का काम किसका है? कर्नल का। जो ऑर्डर देता है, चीजों को मैनेज करता है, वो क्या है? कर्नल। तो दैट इज कंसीडर्ड एज द हार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंप्लीमेंट मल्टीटास्किंग ट्रूली? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में मल्टीटास्किंग लागू नहीं करता? मल्टीटास्किंग, जितने भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो विंडोज के हो गए, यूनिक्स है, लाइनक्स है, ये सब मल्टीटास्किंग बेस्ड है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब मल्टीटास्किंग है, एक साथ कई सारे टास्क करते हैं, है ना, जैसे हम लोग आजकल के टाइम पर मल्टीटास्किंग ही तो करते हैं, व्हाट्सएप भी यूज कर रहे हैं, मूवी भी देख रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, फेसबुक भी यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं, है ना, रजनीकांत बना दिए हम लोग अपने मोबाइल फोन्स को, अपने लैपटॉप्स को, एक साथ कई सारे टैब पर काम करेंगे अलग अलग, मल्टीटास्किंग है। लेकिन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग नहीं है? एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है, बाकी विंडोज 98, एनटी, एक्सपी, ये सब हमारे कैसे हैं? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग बेस्ड। नेक्स्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू ऑपरेट द मोबाइल फोन इज कॉल्ड, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, वेरी वेरी फेमस वन, ये तो गलत नहीं होना चाहिए कम से कम। मोबाइल फोन को संचालित करने के लिए प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? स्मार्ट कार्ड, एम्बेडेड, मल्टी यूजर, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दी अबव। मोबाइल फोन्स की बात करें या एटीएम मशीन्स की बात करें या कार में लगे हुए ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें या स्मार्ट वॉचेस में लगे हुए ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, इन सभी केसेस में आंसर क्या होगा? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, संलग्न ऑपरेटिंग सिस्टम, या आप कह सकते हैं जो स्पेशल काम के लिए डिजाइन किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा है? सर्वर में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लाइनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज के लेटेस्ट वाले, ये सब एक ही तरीके के हैं। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मल्टी यूजर है? जी हां, क्योंकि सर्वर में यूज किया जाता है। मल्टीटास्किंग है? जी हां। टाइम शेयरिंग है? जी हां। ऑल ऑफ दी अबव है? बिल्कुल, बहुत बड़ी हां। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑल ऑफ दी अबव, फोर्थ इज दी राइट वन। और यूनिक्स का ही एडवांस्ड फॉर्म क्या है? लाइनक्स। नेक्स्ट, द चंक ऑफ अ मेमोरी आर नोन एज, मेमोरी के चंक को क्या बोलते हैं? चंक का मतलब क्या होता है? मेमोरी के टुकड़ों को क्या कहा जाता है, यानी मेमोरी किससे मिलके बनती है, ये बताइए। सेक्टर, ऑफसेट, पेज, फ्रेम या ऑल ऑफ दीज? अब यहां पर देखो, दो आंसर बिल्कुल सही है, पेजेस भी सही है और फ्रेम भी सही है। क्यों? अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे तो प्राइमरी मेमोरी पेज नहीं, फ्रेम से मिलके बनती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है रैम, वो फ्रेम से मिलके बनती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो पेजेस से मिलके बनती है। तो अब आंसर क्या लगाएं, पेज या फ्रेम? प्राइमरी मेमोरी फ्रेम, सेकेंडरी मेमोरी पेजेस।
यहां लिखा है मेमोरी। अगर मेमोरी के साथ में कुछ भी नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं कि यहां पर बात किसकी हो रही है, प्राइमरी मेमोरी की या मेन मेमोरी की, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ज्यादातर स्टोरेज बोलते हैं। बात समझ में आई? जब कभी भी हमें यह कंफ्यूजन हो कि यहां पर बात मेन मेमोरी की हो रही है या प्राइमरी मेमोरी की, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि अगर प्राइमरी मेमोरी, अगर सिर्फ मेमोरी है तो वहां प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है, यानी रैम की बात हो रही है, रैम और रोम की बात हो रही है। तो चंक ऑफ प्राइमरी मेमोरी आर नोन एज, दैट इज कॉल्ड फ्रेम, यानी फोर्थ इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात? अब जरा इन दोनों चीजों को समझ लो। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी की बात करें तो इसको डिवाइड किया जाता है किसमें, फ्रेम्स में। लेकिन जब हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं, जब हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं, जब हार्ड डिस्क की बात करते हैं, जब एसएसडी की बात करते हैं, तो ये बनती है पेजेस, इट इज द कलेक्शन ऑफ पेजेस। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता का उदाहरण है। बहुत आसान है, यूटिलिटी का मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कौन करता है? कंपाइलर नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ड्राइवर्स नहीं, एंटीवायरस, जी हां। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंटीवायरस। एंटीवायरस के अलावा ऐसे कौन कौन से हैं जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस या उसकी कार्य प्रणाली को बढ़िया बनाते हैं? वही तो यूटिलिटी होंगे। एंटीवायरस के साथ साथ डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क बैकअप, डिस्क यूटिलिटी, ये जो आपके हैं डिस्क क्लीनअप, ये हमारी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेंगे। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। समझ में आया? लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हम रखते किसके अंदर हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कोई अलग से नहीं है, है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट ही। लेकिन इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना। जैसे एंटीवायरस, एंटीवायरस अगर होगा तो क्या वायरस आ पाएगा? जी नहीं, स्कैन करेगा, हटा देगा। जैसे नॉर्टन एंटीवायरस, मैकेफी, कैस्परस्काई, एवीजी, अवास्ट, एवीरा, नोड एनओडी 32, बिट डिफेंडर, ट्रेंड माइक्रो, एफ सिक्योर, है ना, ये सब हमारे क्या है, फेमस एंटीवायरस है। नेक्स्ट, यूजर एक्शन सच एज की स्ट्रोक और माउस क्लिक आर रिफर टू एस। की स्ट्रोक या माउस क्लिक जैसी उपयोगकर्ता क्रिया को क्या कहा जाता है? अगर हम माउस से कुछ क्लिक कर रहे हैं या कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे हैं तो ये क्या है? इंटरप्ट है, टास्क है, प्रोसेस है, इवेंट है, या ऑल ऑफ दीज है? इंटरप्ट तो होगा नहीं, क्योंकि इंटरप्ट का मतलब क्या होता है? मैंने बताया है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक मैसेज दे कि आपके सिस्टम की बैटरी डाउन हो रही है, इंटरप्ट है। आपके सिस्टम में वायरस है, एंटीवायरस इंस्टॉल करिए, इंटरप्ट है। अपने वर्जन को अपग्रेड करिए, अपडेट करिए, नया वर्जन आ गया, है ना, ऐसे मैसेजेस आते हैं आपके मोबाइल फोन में, आपके कंप्यूटर में, ये सब क्या है? इंटरप्ट है। लेकिन की स्ट्रोक और माउस क्लिक क्या है? इवेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, इवेंट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, डैश इज द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल एंड फोल्डर मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स और फोल्डर मैनेजर कौन सा है? जहां हम सारी फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करते हैं उस पार्टिकुलर प्लेस को क्या बोलते हैं? विंडोज एक्सप्लोरर, कंट्रोल पैनल, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, या ऑल ऑफ दीस? विंडोज एक्सप्लोरर हो सकता है, क्योंकि सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव वाली जगह को ही हम विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। कंट्रोल पैनल नहीं, ये तो सेटिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने की बात की जाए या चेंजेस करने हो आपको सेटिंग्स में। माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर तो कुछ होता ही नहीं, इसी पर क्लिक करने पर तो विंडोज एक्सप्लोरर ओपन होता है, तो इसी को हम लोग विंडोज एक्सप्लोरर बोलते हैं। माई डॉक्यूमेंट,
यहां तो बाय डिफॉल्ट फाइल्स स्टोर होती हैं, तो ये नहीं पूछ रहा है कि बाय डिफॉल्ट कहां पर, तो माय डॉक्यूमेंट। लेकिन फाइल और फोल्डर को मैनेज कौन करता है, विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन, वही जगह जिस पर क्लिक करके सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव आती है, दैट इज कॉल्ड विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज इन गूगल क्रोम टू ओपन द टास्क मैनेजर। गूगल क्रोम में टास्क मैनेजर खोलने के लिए किस शॉर्टकट की को उपयोग करेंगे, शिफ्ट के साथ एस्केप प्रेस कर देंगे, टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा गूगल क्रोम के अंदर। यह क्वेश्चन दोनों तरफ से पूछा जाता है कि शिफ्ट एस्केप प्रेस करके गूगल क्रोम में क्या होता है, तो आंसर क्या होगा, ओपन द टास्क मैनेजर, या टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस एस्केप। नेक्स्ट, ए ड्राइव एंड बी ड्राइव इन अ कंप्यूटर इज रिजर्व फॉर। कंप्यूटर में ए ड्राइव और बी ड्राइव किसके लिए आरक्षित है, सी ड्राइव आरक्षित है हार्ड डिस्क के लिए, लेकिन ए ड्राइव और बी ड्राइव रिजर्व है फ्लॉपी डिस्क के लिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्लॉपी डिस्क। इसीलिए तो जब भी हम अपने कंप्यूटर में ड्राइव्स को चेक करते हैं तो पहली ड्राइव हमें कौन सी मिलती है, सी ड्राइव, दूसरी कौन सी मिलती है, डी ड्राइव, ए और बी तो होती ही नहीं क्योंकि फ्लॉपी डिस्क का यूज अब होता नहीं, तो ए ड्राइव और बी ड्राइव होती नहीं। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट रिफर्स टू द इंटरनेशनल टेलीफोन सिस्टम दैट यूजेस कॉपर वायर टू कैरी एनालॉग वॉइस डेटा। एनालॉग वॉइस डेटा को ले जाने के लिए तांबे के तारों का उपयोग करने वाली अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन प्रणाली को क्या संदर्भित करते हैं, टेलीफोन सिस्टम, इंटरनेशनल टेलीफोन सिस्टम क्या होगा, ISDN, VOIP, PSTN, TRAI या ARPANET। ISDN क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, जहां हम किसी भी डेटा को एनालॉग, डिजिटल या हाई स्टैंडर्ड में भेजते हैं, ये है ISDN, ये तो होगा नहीं। VOIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, अगर इंटरनेट के ऊपर अपनी वॉइस को पहुंचाने के लिए VOIP का यूज करते हैं, ये भी नहीं होगा। PSTN, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, जी हां, बात किसकी हो रही है, टेलीफोन की, तो इसमें यूज होने वाला जो नेटवर्क होगा वो कैसा होगा, PSTN नेटवर्क, जो पहले समय में बूथ लगते थे टेलीफोन्स वाले, है ना, तो दैट पर्टिकुलर नेटवर्क इज कॉल्ड PSTN, यानी पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। तो जब भी टेलीफोन की बात होगी तो आंसर क्या होगा, PSTN, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एस। समस्या के सोर्स की पहचान करना क्या कहलाता है, ट्रबल शूटिंग, एनालाइजिंग, करप्टिंग, डिसीजन मेकिंग या डीबगिंग। सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आखिरकार कहां पर है, इसका पता लगाना क्या कहलाता है, बताइए, दैट इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। जब आप प्रॉब्लम का पता लगाते हैं कंप्यूटर में कि प्रॉब्लम ये है, दैट इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। एक बार आपने प्रॉब्लम की पहचान कर ली, उसके बाद आप डीबग करेंगे, उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो रिमूव करना दैट इज कॉल्ड डीबगिंग, और पहचान करना सोर्स ऑफ प्रॉब्लम की, दैट इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। क्लियर है। जैसे आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने क्या करी, टेस्टिंग, टेस्टिंग करने के बाद जब आपने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो उसने सोर्स ऑफ प्रॉब्लम को पहचाना कि प्रॉब्लम ये हो सकती है, अब ये मेडिसिन चलाइए। तो सबसे पहले आपने टेस्टिंग करी, फिर डॉक्टर ने सोर्स ऑफ प्रॉब्लम को पहचाना और उससे रिलेटेड मेडिसिन दी ताकि प्रॉब्लम क्या हो जाए, डीबग हो जाए। तो ये होता है टेस्टिंग, ट्रबल शूटिंग और फिर डीबगिंग। क्लियर। नेक्स्ट, अ कंपाइलर ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम विच इज कॉल्ड। यहां पर विच किसके लिए यूज हुआ है, मशीन लैंग्वेज के लिए। तो कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। इसे क्या बोलते हैं, हाई लेवल का मतलब इंग्लिश में लिखा गया कोड यानी सोर्स कोड, कन्वर्ट किस में कर रहा है, मशीन लैंग्वेज यानी बाइट कोड में, या आप कह सकते हैं दैट इज इन दी
मशीन लैंग्वेज कोड या ऑब्जेक्ट कोड। तो हाई लेवल प्रोग्राम यानी कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। विच किसके लिए यूज हो रहा है, मशीन लैंग्वेज के लिए, और मशीन लैंग्वेज का मतलब ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन टू। क्लियर है, वेरी गुड। 01 में कन्वर्ट कर देगा, है ना। कंपाइलर क्या करेगा, सोर्स कोड जो इंग्लिश में लिखेंगे उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, 01 में, मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ वायरस यूजेस कंप्यूटर होस्ट टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, किस प्रकार का वायरस कंप्यूटर होस्ट को उपयोग खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है इटसेल्फ। सिर्फ अगर रिप्रोड्यूस की बात करते तो वायरस भी हो सकता था, वॉर्म भी हो सकता था, क्योंकि रिप्रोड्यूस करने का काम किसका है, अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाने का काम किसका है, वायरस का या वॉर्म का। लेकिन इटसेल्फ का मतलब अपने आप, अपने आप पर निर्भर कौन है, वॉर्म। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट वंस रीड मैनी, दैट इज कॉल्ड वॉर्म। क्लियर, वेरी गुड। इन पावर पॉइंट 365 द डॉटेड एरिया इन एन एम्प्टी स्लाइड आर कॉल्ड, पावर पॉइंट 365 में खाली स्लाइड में जो डॉटेड एरिया है उसे क्या कहा जाता है। जब पावर पॉइंट बनाना हम शुरू करते हैं तो वहां पर हमको डॉटेड बॉक्सेस दिखते हैं, कितने डॉटेड बॉक्स दिखते हैं, दो, और उन डॉटेड बॉक्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री, दैट इज प्लेस होल्डर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो ये बना कि पावर पॉइंट में जो डॉटेड एरिया है वो प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर होते कितने हैं बाय डिफॉल्ट, दो। पहले प्लेस होल्डर को बोलते हैं टाइटल वाला, एड टाइटल। तो अगर टाइटल की बात होगी तो दैट इज फर्स्ट प्लेस होल्डर। दूसरा जो प्लेस होल्डर है वो है बॉडी वाला, टेक्स्ट वाला, जहां हम टेक्स्ट को लिखते हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछें कि कितने प्लेस होल्डर होते हैं बाय डिफॉल्ट, तो आप कहेंगे दो। कौन कौन से, क्लिक टू ऐड टाइटल, जहां टाइटल को ऐड करते हैं, और क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, जहां पर टेक्स्ट को ऐड करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल 2021, निम्न में से कौन सा एमएस एक्सेल 2021 में एक पूर्ण सेल संदर्भ का उदाहरण है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, हम जानते हैं सेल रेफरेंसिंग को डॉलर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेंज को कॉलन से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेल रेफरेंसिंग तीन तरीके की होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। एब्सोल्यूट के केस में रो के साथ में भी डॉलर और कॉलम के साथ में भी डॉलर लगाते हैं, तो यानी यहां पर आंसर क्या होगा, दो डॉलर, यानी डॉलर ए डॉलर नाइन, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो हमने कॉलम को भी क्या कर दिया, लॉक कर दिया, और रोस को भी क्या कर दिया, लॉक कर दिया। तो ए क्या है कॉलम, नाइन क्या है रो, तो हमने कॉलम को भी लॉक किया और रो को भी, और ये बन गया एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच वन इज द डिफॉल्ट वर्ल्ड प्रोसेसर फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए जो डिफॉल्ट वर्ल्ड प्रोसेसर है वो कौन सा है, बताइए। जो वर्ल्ड के साथ में प्रोसेसिंग करता है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करता है बाय डिफॉल्ट वाला, द आंसर इज वर्ड पैड। एमएस वर्ड क्या है, क्या ये भी वर्ड प्रोसेसर है, जी हां, लेकिन बाय डिफॉल्ट नहीं, इसे परचेज करना पड़ता है एमएस ऑफिस के अंदर। लेकिन जो वर्ड पैड है ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला, लेकिन ये इतना अच्छे से काम नहीं कर सकता है जितना एमएस वर्ड अच्छे से काम करता है, इसलिए हम प्रेफर किसको करते हैं, एमएस वर्ड को, और कम प्रेफर करते हैं किसको, वर्ड पैड को। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट वर यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में करते हैं, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, तो आंसर होगा थर्ड जनरेशन, राइट वन। फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में हो जाएगा आपका क्या, यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट,
और यू कैन से रोबोट्स, और यू कैन से मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, है ना, दीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज कम्स अंडर द पार्ट ऑफ फिफ्थ जनरेशन। नेक्स्ट, अ बाइट कैन होल्ड वन डैश ऑफ डेटा, वेरी वेरी फेमस वन, एक बाइट में एक डैश डेटा हो सकते हैं, बताइए, बिट, बाइनरी डिजिट, कैरेक्टर, न्यूमेरिक या ऑल ऑफ दिस। अ बाइट कैन होल्ड, अगर आप हायरार्की को फोकस करें तो बिट, फिर निबल, फिर बाइट, बाइट का मतलब वन बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, यस, सो अ बाइट कैन होल्ड 8 बिट का मतलब वन कैरेक्टर, तो आंसर क्या होगा, अ कैरेक्टर ऑफ डेटा, तो बाइट का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर, वन कैरेक्टर ऑफ डेटा, दैट इज कॉल्ड बाइट, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या ये बात समझ में आई, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखो मैंने यहां पर आपको समझाया भी है कि बिट का मतलब क्या होता है, सिंगल डिजिट, 0 या 1, तो 1 ये क्या है, बिट, 4 बिट मिल गई क्या बन गया, निबल, 8 बिट मिल गई क्या मिल गया, बाइट, या इसको क्या बोल सकते हैं, करेक्टर। अब समझ में आया अच्छे से, वेरी गुड, तो इसी के साथ 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और इसी के साथ आता है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी फेमस वन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट्स दैट कैन बी एडेड टू एन एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक में अधिकतम कितनी शीट जोड़ी जा सकती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट्स दैट कैन बी एडेड, बाय डिफॉल्ट तो 1 या 3 हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम शीट्स कितनी जोड़ी जा सकती हैं, क्या इसकी कोई लिमिट है, और हाँ तो कितनी, 225, 255, 250, 253 या 155, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर को एक बार बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से पढ़ लिया जाए, ताकि जितने भी टॉपिक्स हैं इंक्लूडिंग डेटाबेस, नेटवर्किंग, नंबर सिस्टम्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, वायरस, मैलवेयर्स, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया, है ना, यानी कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, और प्लस उसकी बेसिक से एडवांस नॉलेज, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, साथ ही साथ उनके MCQs टॉपिक वाइज, साथ ही साथ उनकी PDF, और बिल्कुल बेसिक से वही कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम में क्लिक होते हैं। अगर कुछ इस अंदाज में इस मूवी को देखना चाहते हैं, इस मूवी के तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो यस, यू कैन एनरोल इट। एनरोल करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएंगे। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, क्या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है आपका, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, अगर बढ़ रहा है तो बिल्कुल बोलिएगा कि सचिन सर यस कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है, और लग रहा है कि इस बार कंप्यूटर में 40 में से 35 क्वेश्चंस को बिल्कुल सही करके आएंगे, और यही तो मकसद भी है कि दूसरों से एक कदम ऊपर लेना, जहां लोग कम मेहनत कर रहे हैं वहां ज्यादा मेहनत करके उसको पूरा स्कोर करें, ताकि एक एक्स्ट्रा एज मिले, और कट ऑफ को सिर्फ क्लियर ही ना करें बल्कि अबव द कट ऑफ जाकर सिलेक्शन को अपने नाम करें, क्योंकि तैयारी एक बार करनी होती है, बार बार नहीं, पढ़ना एक बार होता है अच्छे से, बार बार नहीं। यस, तो करिए मेहनत, हम हैं आपके साथ इस जर्नी में, और पूरा कॉन्फिडेंस आपको दिलवाएंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बस साथ आपको देना है। यस, तो आपका साथ, आपका विश्वास, और इसी के साथ आपका सिलेक्शन भी। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ बेस्ट 40 क्वेश्चंस के साथ, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू वेरी मच गाइस।